Vlog 56, date 309 to 023, go for the king. यो सब गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। तो स्वागत है मेरे फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो आज है संडे, तो आज मैं फिलहाल से आया हूँ, अभी मैं फिलहाल में हूँ बाड़ा में, जो कि यहाँ पे गाय के बच्चे खड़े हैं। और आपको बता दूँ कि आज हमारे बाड़े के अंदर काम होने वाला है, जो कि पापा और पापा के मामा मिलकर यहाँ पर काम करेंगे, जो कि आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जो है ये दिख रहे हैं, यहाँ पर जो यहाँ पर टॉयलेट वगैरह नहाने का घर सब बनेगा यहाँ पर। तो ये देख सकते हो, पापा अभी गए हैं मसाला बना कर गए हैं मामा को लेने के लिए। और ये देख, ठीक है, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे नहाने का और यहाँ पे टॉयलेट बने, ठीक है, जो कि दोनों है, बैठने वाला और खड़े वाला। तो गाइस आपको बता दूँ, फाइनली हमारा एक नया गेट लग चुका है और यहाँ पे सब पिलर ईंटों का ये बन गया है और ये गेट लगा दिया है। यहाँ पे आपने देखा होगा, पहले एक लकड़ी का था जो दरवाज़ा जो आने जाने का छोटा सा था, और यहाँ पे एक पेड़ था जो हटा दिया गया गेट लगाने के लिए, तो बीच में आ रहा था। और यहाँ पे तार बंदी भी हो गई है उन दूसरों की, ठीक है। और ये हम अभी आपको बता दें क्या क्या है, अभी देख सकते हो, अंदर चलते, ठीक है। तो ये है गेट, गेट के जस्ट पास में ये बनेगा यहाँ पे टॉयलेट और नहाने का, ठीक है। और ये पेड़ जो कि देख सकते हो इतने बड़े बड़े हो गए, ये अभी ये पक्की नहीं है, ठीक है, इसे खाए पकेंगे फिर खाएंगे, ठीक है। फिलहाल के अभी पानी लाते हैं, क्योंकि ईंटों को पानी देना बहुत ज़रूरी होता है, कि अगर कोई मकान बन रहा है तो वहाँ पे ईंट भीगी हुई नहीं होती है तो मकान कभी अच्छा नहीं बनता, ठीक है, इसलिए ईंटों को भिगाना चाहिए। तो भी वहाँ से भीगी हुई है और यहाँ से सूखी हुई है, जिसको भी भिगाते हैं। और फिर मसाला तो हमारा तैयार हो गया है, पानी थोड़ा कम है, और भी एक ट्रैक्टर के अंदर रेती आएंगी, जो रेत आएंगे जो यहाँ पे डालेंगे इस गेट के माध्यम से, गेट खोलेंगे फिर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये मसाला बन गया, ठीक है, अभी और ये ईट जिसको हमने भिगो दी है, और पापा आएंगे तब हम सब तैयार हो, फिलहाल सब तो तैयार हो गया है। पानी आने दें, अभी ईटों को देंगे, ठीक है, थोड़ी देर बाद पौधे जो कि देख सकते हो। और ये नई ऊपर ऊपर का ये नया बना, ठीक है, आपने देखा होगा तो इधर तक था और ये ईट एक्स्ट्रा में ये बन गया नया, ठीक है। तो अभी मैं जाता हूँ पानी लेने के लिए ये दो बाल्टियों को, अभी इसको इसको ऊपर डाल दे, ठीक है, अभी जाते हैं इन दोनों बाल्टियों को लेकर पानी लेने के लिए, ठीक है। तो गाइस फाइनली मैंने पानी लेकर पानी सब ईंटों को दे दिया, जो कि देख सकते हो मैं तो पूरा भीग गया यार, पेंट हो गया, देखो ये मेरा पेंट पूरा भीग गया। और पानी देख सकते हो, सभी को पानी दे दिया ईंटों को, तो भरपूर पानी दे दिया, जिससे कि पानी थोड़ा इसमें मसाला की वजह यहाँ पे आ गया, देखो, ठीक है। अभी तो पापा आए नहीं है, तो गाइस अभी रेत आ चुकी है, रेत का ट्रैक्टर आ चुका है, जो वो रहा देखो अभी वो अंदर आया, इससे ट्रैक्टर वालों को कहना है यहाँ से बैग देना है, बैग इन भाई साहब को बोल दिया कि ये भी यहाँ पे बैग देना, ठीक है, कि यहाँ पे भी आगे मोड़ने का कोई रास्ता नहीं है, सीधा सीधा ही हमारा गेट है, और मतलब यहाँ ही मोड़ने का रास्ता है, जो कि यहाँ मैंने बोल दिया कि बैग दे देना यहाँ पे, तो यहाँ पे आएंगे और मैं यहाँ पे फिलहाल के गेट को खोल देता हूँ, ठीक है। इसको बाहर खोलते, ठीक है, बस 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 मसाला के अंदर आ जाएगा, अभी ये डॉक्टर का काम हो गया, अभी इस ये ओढ़ी नीचे आ गई थी। One day later. तो अब चलते हैं बाड़े के अंदर, क्योंकि जो टॉयलेट वगैरह था बने हैं, जो आपको दिखा ये टॉयलेट का जो बाहर यहाँ पे लगेगा, दो लगेगा, तो पहले वाला तो इस ये टॉयलेट है, तो यहाँ पे दो लगेगा, ये है जो यहाँ पे लगेगा,
और यहाँ पे एक और ढका हुआ है जो अंदर बैठने वाला है, ठीक है। तो ये टॉयलेट रहने वाला है, यहाँ पे नल लगने वाला, और ये जो टाइल है वो अभी मामा ने लगाई है और पापा उस साइड में काम कर रहे हैं, जो कि नहाने वाला है, स्नान घर कह सकते हो, वहाँ पे काम कर रहे हैं पापा, वहाँ पे टाइल लगा रहे हैं और यहाँ ये टाइल लगा लिया अभी के लिए। तो यहाँ पूरा मकान बन गया, तो शाम के बीच सब बज रहे हैं। तो ये है नहाने का, ठीक है। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे तो लिपाई हुई है, तो यहाँ पे भी लिपाई होगी। और जो शाम के टाइम का ये व्यू देखो, काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है। और अभी तक तो कंप्लीट हुआ है, जो कि देख सकते हो आपने देखा कि थोड़ा भीत कंप्लीट किया वो दिखा आपने, तो अभी का जो पूरा बन गया है देख सकते हो आपने। शुरुआत में आपको दिखाया और अभी आपको बता रहा, दो तीन दिन बाद में आपको दिखा रहा, जो कि कुछ इस प्रकार से बना है। और बाकी का यहाँ से, यहाँ पर एक बाउंड्री बनेगी, जो यहाँ पर ऊपर एक और बाउंड्री बनेगी, और देख सकते यहाँ पे लिपाई होगी। और यहाँ पे तो हो गया, दरवाज़ा लग गया दोनों तरफ, यहाँ पे गेट हो गया। और देखो अभी टाइलों का इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, कम से कम 9 पेटी पड़ी हुई है टाइलों की। तो वहाँ पे और बन मकान, तो गाइस कितना अच्छा लग रहा है, अभी देखो रहने का भवन बन गया है यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है। हेलो गुरु, अभी तक आपने ब्लॉग को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, ठीक है। तो गाइस जो पूरा टॉयलेट तैयार होगा तो फिर आपको मैं बताऊँगा कि कुछ कैसा व्यू रहता है अंदर का। अभी तो टाइलें लगी हुई लग रही है, आधी से कम है, जो कि कल परसों तक पूरा कम्प्लीट हो जाएगा, फिर आपको बताऊँगा, ठीक है। One day later. तो गाइस फाइनली हमारा जो टॉयलेट था जो कि पूरा कंप्लीट हो गया है, जो कि कुछ बाकी है वो, मतलब जो टॉयलेट थी वो, टॉयलेट की जो पेटी थी जो सब ख़त्म हो गई, इसलिए वो अभी वो टॉयलेट का काम जो कि पूरा हो गया और थोड़ा रुक गया है, थोड़ा सा टाइलों का काम बाकी है। तो टॉयलेट तो पूरा कम्प्लीट हो गया जो आपको बता दो, ठीक है। अभी मैं बाड़े के अंदर जा रहा हूँ, खोलते हैं दरवाजे को। तो देखो अब ये है टॉयलेट, इधर टॉयलेट इधर नहाने का, ठीक है, जो कि इधर हो गया, जो कि यहाँ पे जो ये पेड़ देख रहे हो, ये पपीता के पेड़ जो है बहुत हो गया, यहाँ पे जो जाली थी उनको हटा दिया, क्योंकि यहाँ पे एक नई बाउंड्री बना दी, जो कि देख सकते पीछे देखो। तो अंदर का जो कैसा सब आपको बता दो, ठीक है। पहले आपको ये टॉयलेट दिखा दो, ठीक है। तो इस दरवाजे को खोलते हैं, ये लकड़ी का दरवाज़ा है सर, पूरा लकड़ी का, ऊपर ही जाली लग गई है। तो आपको मैं बताऊँ तो मैं अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि ये कल पापा ने मना किया है कि अंदर मत जाना, क्योंकि ये आज ही, ये तो आज ही लगाया हुआ है, टाइलें भी आज रात को लगाई, जो कभी अभी तो ताज़ा, इसलिए मतलब पापा ने अंदर जाने को मना किया। तो ये टाइलें लग गई पूरी जगह, और ये टॉयलेट जिधर का, ये बैठने का, ये देख सकते दो 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 लगे हुए टॉयलेट, और यहाँ पर जो ये टाइलें बाकी थी जो देख सकते हो यहाँ का, ये बाकी यहाँ पे टाइल लगनी बाकी, ठीक है, बाकी। और बाकी जो कि जो बन गए अभी, लिफाई विफाई सब कंप्लीट हो गए इसके अंदर, तो जाले भी लगने शुरू हो गए। जो नेक्स्ट जाते हैं ऐसे नहाने के अंदर, तो इसके पहले दरवाज़ा बंद करते हैं, ठीक है। छोटा दरवाज़ा था इतना सा, तो यहाँ पे एक दरवाज़ा लगा हुआ, वो भी लकड़ी का, और ऊपर जाली है, जो ये है अलग कलर का, ये है अलग कलर का, ठीक है। तो इसको भी खोलते हैं, इसके भी सब सेम है, देखो ये हो गया यहाँ पे नहाने का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नल लगना था, वो किधर गया, यहाँ पे जो शावर होगा वो यहाँ पे कहीं लगने वाला है, तो पापा ने लगता है नहीं लगाया होगा। तो यहाँ पे तो सब कंप्लीट है, जो कि देख सकते हो वहाँ पे भी पानी जो नहाएंगे, जो पानी वहाँ से निकलेगा, और टाइलें यहाँ पे लगा दी, जो कि देख सकते हो, और वहाँ पे जो सब लगे हैं, और लास्ट का बाकी जो हो रहा है वहाँ पे भी हो जाएगा, क्योंकि टाइल कम पड़ गई थी यहाँ पे, वहाँ वो भी इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। ये लकड़ी का बाकी काफ़ी हल्का है, क्योंकि हमारे जो मेन घर है जहाँ पे ऐसा लकड़ी का जो नहाने का था वहाँ पे ऐसे ही लगाया था। तो हम क्या करते थे जब छोटे, तो घर में ही क्रिकेट खेलते थे, ठीक है। तो एक दिन बॉल लगी और दरवाज़ा टूट गया, तो बता दो यहाँ पे एक जाली थी, जो आपको मैंने दिखा दी जाली, हटा दी जो वो रही जाली, और यहाँ पर देखो तो मेरी हाइट से तो 3 गुना, देखो
ये भी लग गए, जो कि यहाँ पे इसको ढकना पड़ेगा क्योंकि फिर लोगों देखते अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इन सबको भी ढकेंगे और जो कि देख सकते हो ये इसके बराबर इसकी हाइट में जाएगा। ठीक है, तो दो तीन थर और आएंगे ईंटों का, लगता है इतना ही आएंगे या दो तीन थर और आएंगे। तो पापा ने एडवांस में ही ये मसाला तैयार कर दिया है जो कि देख सकते हो, क्योंकि तो आपको मैं बता दूँ कि अभी जो अभी काम करे तो तीन कारीगर है और दो तीन जो है मजदूर है, मतलब सीमांत मजदूर मजदूर है जो कि। ठीक है, तो वहाँ पापा हो गए, तो तीन कारीगर है, एक तो पापा है, पापा के मामा और मेरे ताऊ। ठीक है, वो भी काम करते हैं। ठीक है, तो भाई आपको बता दूँ यहाँ पे जो गायों का था, जो झोपड़ी टाइप थी जो कि उसके अंदर गायें रहते हैं बैठती थी वहीं पर, ठीक है, बांधी जाती थी गायों को, तो वो यहाँ पे देख सकते हो पूरा तहस नहस हो गया। क्यों हुआ आपको बता दूँ कि अभी जो पहले पिछले वर्ष की बात है, जब एक गाय ने मतलब हमारी गाय थी उसने एक बछड़ा दिया था, जो कि फिर एक दिन रात को कोई जानवर आया जो इस छोटी सी दीवार को कूद कर आया और इस गाय के बछड़ों को मार दिया। इसलिए तो हमने सुरक्षा करने के लिए पहले ही अभी ये और ईंटों का थर देंगे, जो देख सकते हो इतना और देंगे ईंटों का थर, ताकि जानवर सुरक्षित रहे और बाकी का तो सब कुछ ठीक है। तो अभी ये जो कचरा अच्छा है सब अभी ठीक करेंगे, पापा आएंगे। पापा ने कहा है कि अभी ये है जो लकड़ी का जो बना हुआ आपके सामने जो यहाँ जो उसके जिसके ऊपर कारीगर खड़े होते हैं, तो वो यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, फिर कारीगर यहाँ पे खड़े होंगे, फिर काम करेंगे। ठीक है, जो देख सकते हो बाकी का जो देख सकते हो काम यहाँ पे होने वाला, इतना इतना थर यहाँ पे आएगा और दीवार काफ़ी छोटी हो गई क्योंकि पहले तो बड़ी थी, क्योंकि अभी जो भर्ती आ गई, जो धूरा आ गया, जो भी ये धूरा आ गया जो कि काफ़ी ज़्यादा आया, इसलिए इसकी हाइट भी ऊपर आ गई और उस तरफ ढलान हो गया बराबर। ठीक है, तो वो हमें टॉयलेट भी बन गया, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। गाइस फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि अभी ये ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो रहा है और धीमे धीमे ये काम भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये ब्लॉग कम से कम बनने में 2 वीक लगने वाले। ठीक है, इतने 2 वीक के मतलब 7-8 दिन हो गए जो कि इस ये मकान ये बनने में टॉयलेट और जो कि ये बनेगा बाउंड्री, जो कि उसमें भी कुछ 2-3 दिन लगेंगे और जो कि घर में और जो कि छोटा मोटा काम होगा वो सब हो गए। ठीक है, तो इस ब्लॉग को आपके सामने यहाँ पर यहीं एंड करते हैं। अगर ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल में सब्सक्राइब कर लेना, तो ब्लॉग को यहाँ पर एंड कर दो। ठीक है, I hope enjoy vlog. Thanks for watching.